गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप लोग? अच्छे। सब लोग अच्छे हो? यस। अच्छा ये बताओ, अभी तक आपने हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ा है? संज्ञा और सर्वनाम, और उसके भेद भी पढ़ लिए हैं। तो उसी कड़ी में जो है आज हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, विशेषण। क्या पढ़ते हैं? विशेषण। तो आइए पढ़ते हैं। विशेषण क्या देख पा रहे हो आप? विशेषण। क्या लिखा है ये? विशेषण। और ये नीचे क्या लिखा है? परिभाषा। परिभाषा क्या लिखा है? परिभाषा। तो सबसे पहले विशेषण की परिभाषा समझते हैं। देखिए, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। किसकी विशेषता बताने वाले? संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा, लाल, मीठा, चौड़ा, ठीक है, ये कैसे शब्द हैं आपके? विशेषण बताने वाले शब्द। यानी कि इसको हम वाक्य प्रयोग कर ले, जैसे मेरे पास लाल टमाटर है। कैसे? तो जो लाल शब्द है वो टमाटर की विशेषता बता रहा है ना? तो लाल क्या हो गया? विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। इसके अलावा मेरे पास एक चौकोर किताब है। मेरे पास एक चौकोर किताब की क्या विशेषता है? तो चौकोर शब्द क्या हो गया? क्या हो गया? विशेषण। वेरी गुड। अब इसी में एक लाइन की क्या लिखा है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष। क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे कि मैंने आज एक लाल साड़ी पहनी है। कैसी साड़ी पहनी आपने? लाल पहनी, तो लाल विशेषण हो गया। और जो लाल शब्द है वो किसके कारण प्रयोग हुआ है? साड़ी के कारण, ठीक है। तो साड़ी क्या हो गई? विशेष से हो गई। और मैंने सर्वनाम हो गया। समझ आया? इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल से समझ। गाय हरी घास खाती है। गाय हरी घास खाती है। तो गाय क्या है यहाँ पर? संज्ञा है। वेरी गुड। गाय क्या है? संज्ञा है। और हरा जो शब्द है वो क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। और जो हरी है वो घास के लिए प्रयोग हुआ है, घास की विशेषता बता रहा है। तो घास क्या हो गई? विशेष। क्या हो गई? विशेष। तो समझ आया विशेषण और विशेष? तो उसी क्रम में जो है क्या पढ़ते हैं अब? विशेषण के भेद। तो मुख्यतः जो विशेषण है वो कितने प्रकार का होता है? आप बोर्ड पर देख पा रहे हो? कितने प्रकार का होता है? पांच प्रकार का होता है। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक या उसी को ही संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, और अंतिम यानी कि पांचवा है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। तो उसी क्रम में जो है, हाँ, और थोड़ा ध्यान देना है, जो संख्यावाचक विशेषण है ये भी दो भागों में बटा होता है। पहला भाग अनिश्चित संख्यावाचक और दूसरा निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। तो उसी क्रम में सबसे पहले जो है गुणवाचक विशेषण देखते हैं। कौन सा विशेषण? तो गुणवाचक विशेषण में देखिए, जिस विशेषण से किसी का गुण, दोष, आकार, रंग प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखा है, सुंदर, कपटी, नारंगी, कमजोर, शांत, चौकोर आदि। तो इनका ये जो है, किसी का गुण, दोष, आकार, आकृति आदि के बारे में हमें बताते हैं। तो ये आपके कौन से हो गए विशेषण? गुणवाचक विशेषण। इसी का वाक्य प्रयोग कर लो, जैसे राधा एक सुंदर, तो उसका गुण क्या है? सुंदर, यानी उसकी सुंदरता बता रहा है राधा। राधा की जो है सुंदरता जो है सुंदर शब्द बता रहा है, तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण। इसके अलावा दूसरा कि मेरा भाई कपटी है। मेरा भाई कपटी है। तो कपटी जो शब्द है उसके स्वभाव को बता रहा है,
ठीक है। तो कपटी यहां क्या हो गया, विशेषण हो गया। इसके बाद दूसरा विशेषण, इसके बाद देखिए दूसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। जैसा हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि संख्या का यहां पर बोध होता होगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, जहां पर संख्या क्रम का बोध हो वहां संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी कि जहां पर संख्या का हमें बोध हो। और आपको पहले बता रखा है कि संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार से होता है, अनिश्चित और निश्चित। तो उसी क्रम में पहला है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमें संख्या जो है वो निश्चित नहीं होती है, और निश्चित संख्यावाचक में क्या है, यहां पर संख्या निश्चित होती है। जैसे ऊपर देखिए उदाहरण में कई, अनिश्चित का उदाहरण है कई, कुछ, बहुत से, थोड़ा, ठीक है। आप इसको वाक्य प्रयोग में पहला वाला देखिए, जैसे मैं कई दिनों से बीमार पड़ा था, तो हमें यहां पर दिनों की संख्या निश्चित नहीं है, कई शब्द की वजह से दिनों की संख्या निश्चित नहीं है। तो कई जो है यहां पर क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके अलावा आपका दूसरा, इसके बाद देखिए जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, आगे क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहां पर जो है हमें संख्या निश्चित है, जैसे चौथा, पहला, पांच, नौ, प्रथम, इक्कीसवां। इसको भी वाक्य प्रयोग से समझ लेते हैं कि मेरा कक्षा में पहला स्थान आया, कौन सा स्थान आया, तो पहला शब्द क्या हो गया यहां पर, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके अलावा और लाइन से समझ सकते हो कि मेरे पास 500 रुपए हैं, कितने रुपए हैं आपके पास, 500 की वजह से आपको पता चल पा रहा है कि 500 रुपए हैं, यानी रुपयों की संख्या जो है, रुपयों की, वो क्या है, निश्चित है। तो आपका कौन सा विशेषण हो गया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसी क्रम में अगला आपका तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जो है वो विशेषकर नापने और तौलने से संबंधित है, किससे है, नापने और तौलने या मापने से संबंधित है। जैसे देखिए जिस विशेषण से नाप तौल का बोध हो वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है, ठीक है। उदाहरण देखिए, जैसे 2 लीटर, आप दूध को जो है क्या करते हो, दूध को मापते हो, कैसे, लीटर में मापते हो। आपको बाजार से दूध लेना होता है तो आप, या डेयरी से, तो कैसे लाते हो, लीटर के हिसाब से लाते हो, 1 लीटर, आधा लीटर, 2 लीटर, ऐसे खरीदते हो। तो यहां पर कौन सा विशेषण हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। इसके बाद दूसरा देखिए, 4 मीटर कपड़ा, कपड़ा को नापने के लिए आप मीटर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। आप अपने कपड़े या ड्रेस सिलवाने के लिए कपड़ा लाए होगे बाजार से मीटर में, ठीक है, तो आपको दुकानदार ने मीटर में माप के दिया होगा, तो वहां पर कौन सा विशेषण हो जाएगा आपका, क्या होगा। इसके बाद अगर आप दुकान पर जाते हो तो आपको दुकानदार जब चीनी वगैरह खरीदते हो तो किलो के हिसाब से, ठीक है, तो चीनी आपको किलो में तौल करके देता है, जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो, यानी तौल करके वो चीनी देता है, चीनी है, मसाले हैं, मिर्च है, ठीक है, मैदा है, या आटा खरीदते हो बाजार से, तो आपको कैसे मिलता है, माप करके, यानी तौल करके मिलता है, जैसे चीनी 1 किलो में, मिर्च 100 ग्राम में, तो क्या हो गया आपका, परिमाणवाचक विशेषण। अब हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि जो संख्यावाचक विशेषण है और परिमाणवाचक विशेषण है, दोनों में संख्याएं आती हैं। संख्यावाचक में भी आपको बताया था पहला, दूसरा, 21वां 20वां, प्रथम, और यहाँ भी 2 3 1 4 आ रहा है, पर अंतर कितना है, अंतर ये है कि संख्यावाचक में माप का मतलब नहीं है, जबकि परिमाणवाचक में क्या है, मापने से मतलब है, यानी यहाँ पर माप तौल वाले ही शब्द क्या होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना दोनों में इतना अंतर है। इसके बाद अगला है चौथा, सार्वनामिक विशेषण। इसी को ही क्या कहा जाता है, संकेत वाचक विशेषण भी। तो देखिए डेफिनेशन, जो सर्वनाम किसी संज्ञा
से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। किसके पहले आते हैं? संज्ञा से पहले आते हैं और आकर के उनकी विशेषता बताते हैं। जैसे देखिए, ये आप, ये यहा, ये क्या है? ये सर्वनाम थे, यह वह, ये सब सर्वनाम हैं। और ये फल है, यानी फल की ओर संकेत कर रहे हैं। और ये शब्द जो है यहाँ पर, या यह शब्द जो है, ये क्या है? सर्वनाम है। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण हो गया? क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। अब उसी क्रम में आपका पांचवा कौन सा विशेषण बचता है? नाम बताओ उसका। व्यक्तिवाचक विशेषण। अब इसको जान लेते हैं। आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ी थी, ठीक है, उसी से ही आधारित है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति विशेष का जिक्र होता था, ठीक उसी प्रकार से है ये, कि जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनता है, किससे बनता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनता है, उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बनारस, बनारस जो है वो किसी शहर का नाम है, और शहर का नाम है इसलिए कौन सी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जब इससे व्यक्तिवाचक विशेषण बनाएंगे तो बनारस से क्या बनेगा? बनारसी। वेरी गुड। क्या बनेगा? बनारसी। ऐसे दूसरा देखिए, भूगोल। भूगोल एक विषय का नाम है, और भूगोल से क्या बनाओगे? भौगोलिक। क्या बनाओगे? तो यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा? इसी प्रकार से अलीगढ़ से क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? अलीगढ़ी। क्या बनाओगे? नमक से क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? नमकीन बनाओगे। तो आपको समझ आया व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इस प्रकार से आपके पांचों विशेषण समाप्त हो गए, ठीक है? समझ आए पांचों विशेषण? आप अपनी कॉपी पर इनको अच्छे से नोट करना।